हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम देखेंगे आप आपके यूट्यूब चैनल के लिए कैटेगरी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए, आपके यूट्यूब चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी सही कैटेगरी होगी। तो इसमें जो है कैटेगरी, टोटल कैटेगरी 15 है। ओके, तो आपको 15 में से कौन सी कैटेगरी आपके चैनल के लिए सूटेबल है, तो वो हम देखेंगे। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ वैष्णवी और आप देख रहे हैं वैष्णवी टेक वी चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पे YouTube स्टूडियो पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपलोड डिफॉल्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल कैटेगरीज 15 कैटेगरीज हैं। ओके, तो फर्स्ट है ऑटो एंड व्हीकल्स। सपोज अगर आपको जो कार्स व्हीकल्स रहते हैं, जो नए मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं, उसके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन बताते हैं या लॉन्च होने के बाद आप उनका रिव्यू करते हैं, तो आपके लिए ऑटो एंड व्हीकल्स का कैटेगरी सबसे बेस्ट। तो कॉमेडी में अगर आप सपोज स्पीच करते हैं, फनी स्पीच, ओके, जिससे सुन के आपके जो व्यूअर्स है वो हंसेंगे, तो वो आप कॉमेडी में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, फनी शॉर्ट स्टोरी, ओके, वो भी आप कॉमेडी का जो कैटेगरी है उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एनिमेशन स्टोरीज बनाते हैं, फनी, तो भी आप वो कॉमेडी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका पूरा मतलब जो है, आपका वीडियो देख के अगर आपके व्यूअर्स हंसेंगे तो आपका जो कैटेगरी है वो कॉमेडी कैटेगरी परफेक्ट है। उसके बाद आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे जो है चीजें आते हैं। सपोज आप लर्निंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो आप एजुकेशन में डाल सकते हैं। अगर आप क्लासेस टाइप वीडियोस बनाते हैं, सपोज 10th, 9th, 12th जो भी है स्टैंडर्ड, उसके रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वो एजुकेशन के अंदर आप डाल सकते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हैं तो वो आप एजुकेशन के अंदर डाल सकते हैं। तो एजुकेशन जो है ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। तो आपको एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले आपको दूसरे कैटेगरी चेक करने हैं कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि आपका चैनल एजुकेशन कैटेगरी के लिए ही सही है तो आप एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे डांस, ड्रामा, फन, स्टोरी एक्सेट्रा। तो आपको पहले डिसाइड करना है, आपको चेक करना है कि आपके जो वीडियोज है वो कौन से कैटेगरी में सूटेबल है। तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो फिल्म एंड एनिमेशन का है, कैटेगरी म्यूजिक का है, कैटेगरी कॉमेडी का है। तो आपको एक बार पहले चेक करना है, अगर आपको लगता है कि आपका वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए सूटेबल है तो आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फिल्म एंड एनिमेशन का। तो इसमें क्या है, तो फिल्म एंड एनिमेशन में क्या आता है, तो फिल्म एंड एनिमेशन में यहाँ पे दो कैटेगरीज है, एक है फिल्म और दूसरा है एनिमेशन, राइट। फिल्म कैटेगरी परफेक्ट फॉर फुल मूवी, मूवी ट्रेलर, सॉन्ग, बिहाइंड द सीन, ये जो सब सीन रहते हैं उसके लिए जो फिल्म कैटेगरी है वो सही है। और एनिमेशन कैटेगरी जो है वो शॉर्ट वीडियोस के लिए और दूसरे जो एनिमेशन रिलेटेड वीडियोस है उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिल्म एंड एनिमेशन जो कैटेगरी है वो मोस्टली जो बिग ब्रांड्स रहते हैं, फिल्म प्रोडक्शन रहते हैं, वो यूज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके वीडियोज फिल्म एंड एनिमेशन में सेट हो रहे तो आप फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है गेमिंग का। तो गेमिंग कैटेगरी में क्या है, सपोज आप गेम इंफॉर्मेशन बताते हैं या गेम हैक्स बताते हैं या आप लाइव गेम खेलते हैं या तो फिर आप गेम रिलेटेड टिप्स बताते हैं, तो आपके जो वीडियोज है वो गेम रिलेटेड होंगे, तो आपका कैटेगरी गेमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हाउ टू एंड स्टाइल। तो इसमें भी दो कैटेगरीज है, फर्स्ट है हाउ टू गाइड और सेकेंड है स्टाइल और फैशन। ओके, तो सपोज यहाँ पे हाउ टू में जो है, सपोज आपके वीडियोस हो सकते हैं हाउ टू मेक पनीर सब्जी, हाउ टू मेक, हाउ टू डू योगा, हाउ टू, जो भी हाउ टू के वीडियोस है, जो भी आपके हाउ टू के वीडियोस है उसके लिए आप हाउ टू कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फैशन रिलेटेड, तो सपोज फैशन जो है आजकल जो स्टाइल है, फैशन है, उसके रिलेटेड अगर आप वीडियोस बनाते हैं, नए नए ट्रेंड्स रिलेटेड अगर आप नए नए ट्रेंड्स फैशन स्टाइल रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी परफेक्ट है। उसके बाद कैटेगरी आता है म्यूजिक। तो आप म्यूजिक कैटेगरी में जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और इसके साथ जो म्यूजिक
टिप्स रहते हैं या तो फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं म्यूजिक रिलेटेड, वो आप म्यूजिक कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप खुद म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो भी आप आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए म्यूजिक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो न्यूज एंड पॉलिटिक्स का है। तो न्यूज चैनल में जो है आपको वहां पे डेली जो ट्रेंडिंग फ्रेश टॉपिक्स रहते हैं उसके रिलेटेड आपको वीडियोस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मीडिया और जो भी जो बाकी के जो कैटेगरीज है उसके रिलेटेड आपको वीडियोस बना के आप के YouTube चैनल पे डालने होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके YouTube चैनल के लिए न्यूज एंड पॉलिटिक्स का कैटेगरी सही है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। तो यहाँ पे जो है नॉन प्रॉफिट, इससे ही पता चलता है कि आपके ऐसे वीडियोस होने चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इसका मीनिंग ही है विदाउट एनी प्रॉफिट। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है जिससे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके प्रॉफिट से, तो अगर आपको विदाउट एनी प्रॉफिट वीडियोस बनाने हैं तो आप वीडियोस बना सकते हैं और उसके लिए जो कैटेगरी है वो नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है पीपल एंड ब्लॉग। पीपल एंड ब्लॉग जो कैटेगरी है ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। तो इसमें जो है आप लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी टॉक्स, उसके बाद आप रिव्यूज कर सकते हैं, वेबसाइट प्रमोशंस कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड अगर आपके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है तो आप उसके लिए पीपल एंड ब्लॉग्स का कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी आता है स्पोर्ट्स। तो आपको पता ही है स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है ये बहुत हाई डिमांडेड कैटेगरी है। तो इसमें आप जो स्पोर्ट्स है उसके रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं, आप उसके रिलेटेड गाइड कर सकते हैं, आप उसके तो उसके जो स्पोर्ट इक्विपमेंट रहते हैं उसके रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर आपकी वीडियोस है तो आपके लिए स्पोर्ट्स कैटेगरी बेस्ट। और अब ये जो लास्ट कैटेगरी है वो है ट्रैवल एंड इवेंट्स। तो आपको नाम देख के पता चला होगा आपके लिए कैटेगरी सुटेबल है या नहीं, ट्रैवल एंड इवेंट्स। अगर आपको शौक है ट्रैवलिंग के, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। आप जहाँ पे जाते हैं वहां से आप जो सीन्स रहते हैं, जो नए नए प्लेसेस रहते हैं वहां के ट्यूटोरियल वीडियोस बना के आप, तो आप वो वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल टिप्स दे सकते हैं, उसके बाद आप हॉलीडे प्लेसेस लिस्ट बना सकते हैं, आप नए नए जो प्लेसेस रहते हैं उसके बारे में आप आपकी वीडियोस में बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे जो चीजें हैं जो ट्रैवल रिलेटेड है वो अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए ट्रैवल एंड इवेंट्स का कैटेगरी परफेक्ट है। यस, तो फाइनली कंप्लीटेड। तो आपने देखा यूट्यूब कैटेगरी जो है टोटल 15 कैटेगरी हमने यहाँ पे अभी देख लिया है कि कैसे क्या आपको यूज करना है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आने वाले जो न्यू अपडेट्स रहेंगे उसके बारे में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।